भूमिहीन, यानी भूमिहीन बोले जिनके पास कोई भूमि नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, थोड़ा भी जमीन उनके पास नहीं है, वो भूमिहीन है, यानी बिन जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमिहीन कहते हैं। ठीक है, जिनको अपने व्यवहार में अपने दैनिक जीवन में यूज करने के लिए कोई प्रॉपर रूप से भूमि नहीं है उनको क्या कहते हैं, भूमिहीन। तो चकबंदी जो होता है ना, चकबंदी के दौरान जो उनको लाभ मिलता है, किस प्रकार लाभ मिलता है, तो बहुत सारे आदेश उसको मिलता है, आदेश उसको समझाया जाता है, और बहुत सारे जमीन जो रहते हैं जहां पे वो सब रहते हैं उनको वहां का जो जमीन होता है, जो जमीन जैसे गवर्नमेंट का होता है, जैसे रेलवे, ऐसे ऐसे जमीन जो गवर्नमेंट का होता है, केसर हिंद या जिला बोर्ड के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, देखिए जिला बोर्ड के अंतर्गत तो अक्सर वो ऐसा जमीन आता है जो कोई ना कोई कार्यालय बना रहता है, समझ गए, कोई ना कोई कार्यालय बना रहता है। अब बोलेगा रेलवे का जमीन, तो रेलवे का जो है ना, रेलवे का जमीन केसर हिंद में रखा जाता है, और जिला बोर्ड में जो अक्सर कार्यालय सरकारी जमीन को रखा जाता है। ठीक है, तो देखिये केसर हिंद जमीन जो केसर हिंद खतियान में या गैर मजरुआ में कोई भी जमीन जो गवर्नमेंट में उसका अधिकार है, ठीक है, वैसा जमीन को उसको व्यवहार के लिए उसको दिया जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, वैसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है और आदेश को समझाया जाता है कि अपने व्यवहार में आप जो गवर्नमेंट का जमीन है, जो गवर्नमेंट का भूमि है, उसको आप व्यवहार में ला सकते हैं, यानी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं, वो भी उसका भी मतलब ये जमीन पूरे रूप से उनका हो नहीं जाता है, लेकिन यूज वो कर सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के पास कोई जमीन है वो व्यक्ति अक्सर क्या करते हैं, रेलवे लाइन के साइड में क्या करते हैं, अपना घर जाकर बना लेते हैं। अगर रेलवे लाइन के साइड में आपका मान के चलिए जमीन नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, तो आप रेलवे साइड में जो रेलवे से सट के नहीं, लेकिन रेलवे का जमीन बहुत ही फैला रहता है, रेलवे का जमीन बहुत ही फैला रहता है, देखिएगा, तो रेलवे के जो जमीन होता है उसमें आप व्यवहारिक रूप से वहां उस जमीन को यूज कर सकते हैं, यानी आप वहां पे अपना झोपड़पट्टी जो भी हो आप वहां पे घर बना के रहने लायक जो आप जिस कंडीशन में है, किनके पास जमीन नहीं रहता, जमीन उनके पास नहीं रहता है, वो नहीं खरीद सकते हैं, जो पूरे तरह से पूरे दलित है, यानी बहुत ही नीचे स्तर से है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या करेंगे, इनके पास अगर कैपेसिटी है, अगर वो उतना शिक्षित है, अच्छे खासे है, और उसको है कि हम जमीन खरीद सकते हैं, वो जाके नहीं रहते, वो रेंट में रहते हैं और अपने मेहनत करते हैं, और अपने पूंजी को इकट्ठा करने के बाद खरीद को अपना जो भी है मकान बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो गरीबी में ही जी रहा है, उसके पास गरीबी हटाने का कोई ऐसे साधन तत्काल नहीं है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, तो वही व्यक्ति जाके रहते हैं। अक्सर जो है ऐसा कंडीशन में जो होता है, अक्सर ज्यादातर होता है जिसको बोलते हैं आदिवासी, आदिवासी सबको देखते होंगे आप, वो सब क्या होता है, यानी एक जगह नहीं रहता, वो सब घुमक्कड़ होता है। ठीक है, क्या होता है, घुमक्कड़ या धुमक्कड़ बोलते, ठीक है, घुमक्कड़ होता है वो व्यक्ति सब जो है, अक्सर ज्यादातर रेलवे रेलवे के साइड सब में या अपने झोपड़पट्टी बना के रह जाते हैं, अगर एक ही स्थान पर रहना है तो लंबा समय तक वो रहते हैं। ठीक है, और कितना जो है अपना मतलब 50-50 60-60 वर्ष से रह रहे हैं, और वो प्रॉपर रूप से जो है वो अपने उसको अपने अपना प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उसको अधिकार दिया है, उस कारण से वो एक ही जगह व्यवस्थित हो जाते हैं, और जो घूमकर भी रहते हैं जो एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं रहते, वो भी जो है जब उसको इस रहने का कहीं ठहरने का आवश्यकता मिलता है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि वो इसी जमीन पे रुकते हैं लंबा समय तक, 5 साल 10 साल अगर इतना रुकना है, तो वो अक्सर जो है ऐसा ही जमीन का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है मान लीजिए 1 से 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, घुमक्कड़ जो होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जिसको नॉर्मली गांव घर की भाषा में कोरोनवा बोला जाता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और इसका बहुत सारे नाम है, ये जो है ना बहुत ही मतलब बोला जाए तो ये सब जो है आदिवासी होते हैं, तो अक्सर वो शिकार करके ये करके जो भी हो अपना जीवन को चला, अब ये नहीं है, अब तो बिजनेस भी कर रहे हैं,
अलग प्रकार के, कितने तो जड़ी बूटी का बिजनेस करते हैं और उससे ही अपना बिल्डिंग विल्डिंग सब खड़ा कर लिए, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अधिकार होता है, तो उस व्यक्ति भूमि ही है और उस सबका ये अधिकार है, और लंबा समय तक रहता है तो उस जमीन में उसका कुछ अधिकार भी गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन वो जमीन जो उसको अधिकार में देता है पट्टा, ठीक है, उस व्यक्ति को जो जमीन देता है ना, तो वो बेच नहीं सकता है, वो व्यक्ति उस जमीन को बेच नहीं सकता है और किन्हीं को बेच नहीं सकता है। हाँ, वो किन्हीं को दे सकता है व्यवहार के लिए, लिखित रूप में किन्हीं को नहीं दे सकता है वो, ठीक है, लिख किन्हीं को नहीं सकता है। हाँ, मौखिक रूप से कुछ पैसा देके वो क्या करेगा, बोलेगा ये जमीन ले लो इतना पैसा हमको दे, हो सकता है, लेकिन लिखित रूप में वो बेच नहीं सकता। भूमिहीन में किन किन को प्रॉब्लम है ये बताइए, भूमिहीन में किन किन को प्रॉब्लम है अभी बताएंगे। भूमिहीन को चकबंदी से क्या लाभ होता है, तो भूमिहीन को चकबंदी जो होता है ना उसके दौरान यही सब होता है, सबको व्यवहार मतलब कि सबको जो है ना आदेश दिया जाता है कि जमीन को आप ऐसे अगर भूमिहीन है तो व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। बोले किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं।